2.5 lakh ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ। ITR ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਭਰਦੇ? ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਜੱਟ ਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਜੱਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਗੀ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਇਸ ਜੱਟ ਕੋਲੇ ਆਉਗੀ। ਇਹਦਾ ਲੋਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंदर। मैं हूं सुनील। और मैं हूं मनीष। और दोस्तों, आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो है ऑफिशियल ट्रेलर डाका का, और इसमें है गिप्पी ग्रेवाल और ज़रीन खान। तो देखते हैं इसका ट्रेलर कैसा है। ये एंड में गाना है ना जेम्स बॉन्ड के टक्का 11/2019 है। अभी आ रही है ये तो। हाँ, 1 नवंबर मतलब एक महीना नहीं बचा। 1 नवंबर को पड़ेगा फिर डाका। यस। तो ये था ट्रेलर डाका का, जिसमें गिप्पी ग्रेवाल और ज़रीन खान। और भाई साहब, इसमें मतलब तगड़ा एक्शन, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, सब कुछ देखने को मिलेगा। गाने भी अच्छे हैं। है, डाकू का नाम बहुत सही रखा है, सुखचैन। सुखचैन वाला डाकू है। तो सुखचैन को जो पकड़ेगा उसे 5 करोड़ इनाम दिया जाएगा। जेल निकालेगा, जेल से निकालेगा सुखचैन को, जो छुड़ाएगा 5 करोड़ का। उसने दावा किया है कि मैं 5 करोड़ होगा। एंड में बोलता ना, सारा सुखचैन अब उसी के हाथ में भाई, सुखचैन के हाथ में। ये तो बहुत गलत हो गया, कहते अब तो सही हुआ है, सुखचैन को निकालो यहाँ पे, 5 करोड़ पाओ। सही बात है। तो ये अब मूवी में सस्पेंस है कि वो डाका क्यों डालता है, क्यों वो जेल में जाता है, उसको छुड़ाने के लिए, उसे छुड़ाने के लिए जाता है। और दूसरी चीज ये भी है ना कि उसको पैसे लूटने जाता है बैंक में, बेचारा लड़की बन के जाता है वो। बेचारा फंस जाता है। एक्चुअली ऐसी एक और मूवी गिप्पी ग्रेवाल की थी जो बहुत पहले आई थी, जिसमें गुग्गी जी थे। तीन उसमें, इसमें दो लोग थे, दो लूजर्स बताए, उसमें तीन लूजर्स थे और वो एक गांव में रहते होते हैं, वो बैंक लूटते हैं। बैंक लूट के उसके बाद वो पैसा छुपाते हैं। फिर तो वो भी ऐसी ही, उस इसी तरह की मूवी थी। उसमें भी ऐसा ही होता है कि
उन्हें अपने अपने किसी को, वो एक का होता है कि शादी करवानी होती है, एक का कुछ ऐसे तीन प्रॉब्लम्स होती हैं तीनों की, एक की प्यार की होती है, गिप्पी ग्रेवाल जी जवान है तो उनके प्यार की होती है, तो वो भी मूवी कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट था, मुझे मूवी का नाम तो याद नहीं लेकिन सेम ऐसा ही कुछ था। इसमें एक ट्विस्ट है, उसमें सुखचैन जी है अलग से, इसमें बेसिकली गिप्पी ग्रेवाल जी लड़की के लिए, हाँ नहीं नहीं उसमें भी लड़की के लिए ही था, पर इसमें काफी दिनों के बाद मतलब गिप्पी ग्रेवाल जी की कोई मूवी हमें देखने को मिल रही है काफी टाइम के बाद, काफी नहीं, नहीं अभी उनकी आई थी एक मूवी पहले जो उनकी कंटिन्यूटी थी मूवीज की काफी मतलब फ्रिक्वेंटली आती थी और काफी कॉमेडी वाली, अभी थोड़ा गैप लगता है फ्रिक्वेंटली आई है, मैंने अभी देखी थी वो चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़ वो इतना वो आई थी, उसके बाद वो उतना नहीं चली, चल नहीं पाई, उसने पैसा जरूर कमाया लेकिन क्या होता है कि आप जब एक बड़ा स्टार कास्ट होती है तो बड़े स्टार कास्ट के साथ उसकी जो फिल्म कमाने के लिए पैसा भी उतना ही हिसाब से लगता है, पैसा लगता और उसी हिसाब से रिकवरी भी चाहते हैं प्रोड्यूसर्स कि अगर 20 करोड़ की मूवी बन रही है पंजाबी गिप्पी ग्रेवाल को लेके तो वो 30 या 40 करोड़ कमाए, 20 करोड़ की मूवी 20 करोड़ कमाती है तो इट्स लॉस, फिर तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ ना जो लगाया वही है। अब जैसे सलमान खान है, सलमान खान की मूवी अगर 300 करोड़ क्रॉस नहीं करती है तो इसका मतलब वो फ्लॉप है, 200 करोड़ कमाएगी तो फ्लॉप है, तो ऐसे ही लगा चुके होते हैं। और इसी तरह उनकी इसके बाद अरदास आई थी, अरदास 2, उसको लेके बहुत तगड़ा वो था और बहुत अच्छी मूवी थी वो, उससे भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, उसने पूरी भी की अपनी एक्सपेक्टेशन, लेकिन जिसे कहते हैं कि एक पीक जो था मूवी का उससे थोड़ी सी नीचे रह गई वो, हालांकि मूवी बहुत अच्छी थी, पता नहीं क्यों लोग मतलब गए नहीं, शायद कुछ रीजन पसंद नहीं आई होगी लोगों को, नहीं नहीं लोगों को बहुत पसंद आई थी, लेकिन उसमें क्या था कि शायद कई बार ऐसा होता है कि लोग जाते नहीं है थिएटर में, आ नहीं पाते गर्मी की वजह से, रख लो या कोई भी चीज क्या होता है उस ड्यूरेशन ना दूसरी मूवी रिलीज हो जाती है तो इस वजह से थोड़ा सा पब्लिक बढ़ जाती है। पंजाब में क्या होता है, जैसे पंजाब में अरदास 2 जब रिलीज हुई तो मान लो जब खेती का काम चल रहा है उस टाइम में जो फिल्म रिलीज होगी ना तो उसके चलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि लोग खेतों में ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। तो ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर था भाई पूरा एक्शन से भरपूर, रोमांस मसालेदार और कॉमेडी से भरपूर ट्रेलर था। वो वाला डायलॉग बहुत अच्छा, कौन है गीता आई एम सेइंग हु इज गीता, नहीं वो वाला डायलॉग बहुत अच्छा था, वो कहता तू अपना पुराना सूट किसी ने दे देंदी तो भला जानदा करीब को, अब सब गरीब को, गरीब कौन है, गरीब कौन बात है। तो इसमें मिलेगी आपको कॉमेडी देखने को भरपूर, कॉमेडी एक्शन सस्पेंस, मैनेजर को जो बोलता है कि पैसा मिले ना मिले एक गल याद रखें, जट की जो मतलब वो है मजूका है जिस नाल ब्याह हो वो वापस मेरे पास ही आए, इसका लोन से क्या लेना देना भाई, इसका क्या लेना देना, तो उसको पता नहीं होता मतलब बिहाइंड क्या है उसके। तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगा हो नीचे लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए रिएक्शन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।